बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बड़ी मियां छोटी मियां खूब जोरों शोरों से रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म ने रिलीज के बाद से सभी को निराश किया है। फिल्म का कलेक्शन काफी बुरा जा रहा है और 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को ऑडियंस ही नहीं मिल रही है। फिल्म को लेकर मेकर्स ने बहुत सारे ऑफर भी दिए हैं, लेकिन जब फिल्म को लेकर लोग ही नहीं इंटरेस्टेड नहीं आ रहे हैं तो भला ऑफर्स का क्या ही होगा। ऐसे में अक्षय कुमार भी अपना फोकस साउथ की तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो प्रभास की अपकमिंग फिल्म कनप्पा से अपना तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार है। इस फिल्म के लीड एक्टर विष्णु मंजू ने फिल्म के बारे में अपडेट दिए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अक्षय कुमार के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। अक्षय कुमार इस दौरान अपने ब्लैक आउट में हैं और ब्लैक कलर की कैप लगाए हुए नजर आ रहे हैं। विजुअल्स शेयर करते हुए विष्णु मंजू ने लिखा कि कनप्पा फिल्म की यात्रा और रोमांचक हो गई है, क्योंकि सुपरस्टार बेस्टर अक्षय कुमार इस फिल्म से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। इस बात को बताते हुए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और इस कभी न कभी बुलाने वाले रोमांस के लिए तैयार रही है। फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का डायरेक्शन मुकेश कुमार सिंह कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मोहन बाबू। रिपोर्ट तो ये फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है। फिल्म में प्रभास, मोहन लाल, कृति सनन और काजल अग्रवाल इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं और एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। वही विष्णु मंजू फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे और उनके कैरेक्टर का नाम होगा कनप्पा। वही फिल्म में अक्षय कुमार के कैरेक्टर को लेकर ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म में वो भगवान शिव का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो अक्षय के लिए ये रोल प्ले करना कोई नई बात नहीं होगी, वो पहले भी ओ माय गॉड 2 में ये रोल प्ले कर चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की लेटेस्ट फिल्म बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस फेलियर के साथ साथ ट्रोलर्स को भी ट्रोल भी की जा रही है। ऐसे में एक ट्रोलर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अक्षय कुमार की मोस्ट ऑडियड फिल्मों में से एक बिग बजट फिल्म स्काई फोर्स श्योर शॉट डिजास्टर होने वाला है और ये इस ट्वीट को सेव कर लीजिए अक्षय कुमार फैंस। और इस ट्रोलर को उनकी भाषा में जवाब दिया संदीप केलानी ने। बता दें कि संदीप केलानी स्काई फोर्स के डायरेक्टर हैं, यानी उन्होंने लिखा कि इस ट्वीट को डिलीट बिल्कुल भी मत करना, यानी डायरेक्टर को अपने प्रोडक्ट के ऊपर काफी भरोसा है। स्काई फोर्स इंडिया के पहले और डेडलीस्ट एयर स्ट्राइक के बारे में है, जो ट्रू इंसिडेंट पे बेस है, एक एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार एक इंडियन एयरफोर्स अफसर का रोल प्ले करेंगे। वहीं इस फिल्म से वीर पहाड़िया बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में इन दोनों के अलावा सारा अली खान और निमरत कौर भी लीड रोल में नजर आएंगे। स्काई फोर्स को संदीप केवलानी और अभिषेक कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म 2 अक्टूबर 2024 को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। स्काई फोर्स के लिए कितने एक्साइटेड हो? हनुमान फेम तेजा सज्जा की नेक्स्ट पैन इंडियन फिल्म का टाइटल मिराई रखा गया है और इसका ग्लिम्स भी रिलीज कर दिया गया है और 18 अप्रैल 2025 को इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा पैन इंडियन लैंग्वेजेस में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्तिक गट्टामने ने और इस फिल्म में तेजा सज्जा के बावजूद रितिका नायक नजर आएंगे। शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म किंग को लेकर बड़ा अपडेट आया। बताया जा रहा है कि वही डायरेक्टर सुजय घोष एंश्योर कर रहे हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट वर्ल्ड क्लास हो, स्केल और एक्शन सब कुछ नेक्स्ट लेवल होगा। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस समय स्टंट डायरेक्टर के साथ बातचीत में है ताकि इस फिल्म को ग्लोबल एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाया जाए। इस फिल्म की शूटिंग मई से स्टार्ट होगी, जो लगभग 5 महीने तक शूटिंग चलेगी और वही 2025 के सेकंड हाफ में इस फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट होगी। सुहाना खान भी उनके साथ नजर आएंगी। इस फिल्म को एक मैसिव बजट में बनाया जाएगा, जो लगभग 200 करोड़ में इस फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करेगी। हनुमान फेम डायरेक्टर प्रशांत वर्मा अपनी नेक्स्ट फिल्म रणवीर सिंह के साथ बनाने वाले हैं और फिलहाल मेकर्स की भी बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि ये हनुमान 2 तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई और फिल्म है जो फिलहाल अभी बातचीत पे ही चल रही है। एक मेगा बजट पीरियड फिल्म है जिसमें माइथोलॉजी टच होगा और एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी फिलहाल मल्टीपल स्टूडियोज के साथ बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं कौन सा प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाला है। रणवीर सिंह ने स्क्रिप्ट सुनते ही इस फिल्म के लिए हाँ कर दी है, क्योंकि ये फिल्म काफी फ्रेश स्टोरी है और रणवीर सिंह के सुनने के बाद वो काफी शॉक हो गए थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा पाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको मन चाहे तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।